किसानों का आंदोलन बेशक दिल्ली में चल रहा है, लेकिन उसका असर अब हिमाचल पर भी पड़ने लगा है। सोलन भी इससे अछूता नहीं रहा है। किसानों के आंदोलन की वजह से बाहरी राज्यों से आने वाली खाद्य सामग्री हो या भवन निर्माण से जुड़ी सामग्री, सभी की कीमतों में भारी उछाल देखा जा रहा है। अगर ये आंदोलन यूं ही चलता रहा तो आने वाले समय में और भी महंगाई का सामना शहरवासियों को करना पड़ सकता है। यही नहीं, कुछ वस्तुओं की कमी भी आने वाले समय में पड़ सकती है, क्योंकि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से सामान बेहद कम आ रहा है। यही वजह है कि मांग बढ़ने और आपूर्ति कम होने की वजह से कीमतें बढ़ने लगी हैं। सोलन के व्यवसायियों ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली से सामान की आपूर्ति नहीं हो रही है। अगर वहां से माल आ भी रहा है तो 10% से लेकर 30% तक कीमतों में उछाल आ गया है। उन्होंने कहा कि कोविड की वजह से पहले ही बाजार में मंदी छाई हुई है, ऊपर से कीमतें बढ़ने की वजह से व्यापार और भी ज्यादा मंदा हो गया है। उन्होंने कहा कि कोविड काल और किसान आंदोलन से बड़े उद्योगों और होलसेलर्स को तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आम दुकानदार और सप्लायर पर इसकी बहुत मार पड़ रही है। होलसेलर और उद्योगपति चांदी कूट रहे हैं, अब दुकानदार पिस्ता चाह रहा है। जैसे कि सबको पता है जी, ट्रांसपोर्ट आजकल टोटल ठप है, व्यापार में जो हमारे को रॉ मटेरियल चाहिए वो भी नहीं आ रहा है, महंगाई बढ़ी जा रही है दिन प्रतिदिन, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ नहीं रहे पर प्लास्टिक के प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं। ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट बंद होने के कारण जिनके पास माल पड़ा है उन्होंने अपने रेट बढ़ा दिए हैं, काला बाजारी को न्योता दे रही है सरकार। प्लास्टिक के रेट जी ऑलमोस्ट दुगने हो गए हैं जी, जबकि पेट्रोल का रेट उतना ही है। ये सब बाय प्रोडक्ट्स ऑफ क्रूड हैं जी, क्रूड से निकलने वाली चीज़ें हैं जी, तो इसमें जो प्लास्टिक का रेट है जी वो तो तेल के साथ ही जुड़ा है। तेल तो नहीं बढ़ रहा पर प्लास्टिक बढ़ रहा है, क्या कारण है जी? ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से जी, देखो जो रेट है, जिसके पास माल पड़ा है उसने अपने रेट बढ़ा के माल बेच रहा है इस टाइम, उससे जो एंड वे जो खरीददार है उसकी जेब पे काफ़ी असर पड़ रहा है जी। सेल्स में तो जी ड्रॉप है ही है, दिन प्रतिदिन सेल गिर ही रही है जी, जितने प्राइसेस बढ़ रहे हैं मार्केट में, जितना रेट में बढ़ोतरी आ रही है उस हिसाब से सेल भी गिर रही है जी। जिस ग्राहक का, जिस खरीदार ने 10,000 रुपये का माल लेना था वही माल उसको अब 13,000 रुपये का पड़ रहा है, ऑलमोस्ट 30% की तेज़ी आ गई है जी। क्योंकि देखो जी, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा जी, ये माल बना रहे हैं और इनका माल बिक भी रहा है, दिक्कत आ रही है एंड दुकानदार को ही। हमने सोचा तो था जी काम खुलेगा, पर काम लॉकडाउन के दौरान ज़्यादा रहा बजाय आजकल। किसान आंदोलन की वजह से जो सामान हमारा दिल्ली से आता है वो तो कोई सामान आ ही नहीं रहा, और उसका कोई फिलहाल इलाज भी नज़र नहीं आ रहा जब तक ये आंदोलन ख़त्म नहीं होता। सरकार की और किसान की बातचीत चल रही है, जैसे जैसे कोई डेवलपमेंट होगी उसके बाद देखते हैं क्या होगा। ABC कोई भी सामान है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल ये 5 से 10% होलसेलर कंपनियां सब ने रेट बढ़ा दिए, इसमें फंसता है रिटेलर और कंज्यूमर। मेजर दिक्कत तो यही है कि एक तो रेट बढ़ गया हर चीज़ के, अब रेट बढ़ जाते हैं तो मार्केट में एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। कस्टमर सोचता है दुकानदार गड़बड़ कर रहा है, दुकानदार सोचता है कि होलसेलर गड़बड़ कर रहा है, तो एक दूसरे के ऊपर है तो डिपेंडेंसी।